हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज आपकी ग्रामीण विकास की क्लासेज हैं। 3 दिन आपकी हिंदी होती है, 3 दिन ग्रामीण विकास की डिटेल क्लासेज होती है। जिस दिन 3 दिन हिंदी होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार, उस दिन 3 दिन ग्रामीण विकास की MCQ रात 10 बजे लाइव होती है। आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आपका वह हिस्सा शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां से आप पेपर उठाओगे, जो राजस्व लेखपाल हुआ वो, और उसके अलावा जो चकबंदी लेखपाल हुआ, दोनों पेपर उठा लीजिए। राजस्व लेखपाल में आपको जितने ग्रामीण विकास से प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों में सबसे ज्यादा जो प्रकृति रही है वो क्या पूछी गई, भारत में जितनी योजनाएं चल रही उन योजनाओं से सवाल पूछा गया है, ना कि आपके ऐसे कोई उटपटांग चैप्टर उठा लिए गए हों जहां से सवाल हों। योजनाओं से संबंधित सवाल सबसे ज्यादा रहे हैं भैया, मैं बार बार कहता हूं। तो आज मैं योजनाओं के क्रम की ओर बढ़ रहा हूं। तो योजना पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो ग्रामीण भारत के लिए तरह तरह की योजनाएं आई, इनमें योजनाओं का प्रादुर्भाव कहां से होता है। और उसके लिए आप जानते हैं कि भारत में 1950 में जब हमें आजादी और सब कुछ मिल के सारी चीजें हमने सेटअप कर लिया, तब योजना आयोग का गठन होता है जो पंचवर्षीय योजनाओं के प्लान को तैयार करता है। तो सबसे पहले जब हमें योजनाओं को पढ़ना है कि कौन सी योजना ग्रामीण भारत में किस विकास के लिए किस वर्ष किस लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई, उनसे पहले आपको यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि पंचवर्षीय योजनाओं का काल क्या रहा। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चलाई गई, क्योंकि यह जो आज का टॉपिक है, चाहे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे BO की परीक्षा, चाहे लोक सेवा आयोग का कोई भी प्रश्न पत्र है, अगर GS उसमें पूछी जा रही तो उसमें यह टॉपिक आपका जरूर होगा। इसलिए यह जो लेक्चर है सभी के लिए, एक तरफ से आप UPSC में बैठने जा रहे हो, राजस्व लेखपाल देने जा रहे हो, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, पंचवर्षीय योजनाओं का पूछा जाना, सभी में आपको एक आध प्रश्न मिलते ही मिलते होंगे। इकोनॉमी से कुछ ना पूछे लेकिन पंचवर्षीय योजना से जरूर पूछता है, ठीक है। तो यह जो आपका चैप्टर है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा उनको सिर्फ आपको शब्दों को, अपने कर्ण पल्लों को ओपन कर लेना है और पूरी तरीके से समाहित होने देना है, ठीक है। सब कुछ जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसे ही लाइन टू लाइन आपको याद होता जाएगा। आपको पहले नहीं परेशान होना है कि अच्छा ये नहीं मालूम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि यह सभी प्रोग्राम जो कुछ भी हम चला रहे हैं आपको निःशुल्क दे रहे हैं। यह टीम परीक्षा प्लस 10+ कोर्सेस के अंतर्गत आपको सब कुछ निःशुल्क जो है उपलब्ध करवा रही है। तो लेक्चर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। इससे पहले जितने लेक्चर हो गए सबके सब YouTube पर प्लेलिस्ट में 10+ कोर्सेज के नाम से बने हुए हैं, सभी को देखो, मस्त होकर पढ़ाई करो, बाकी सबको सही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो सब कुछ ऐप के माध्यम से देख सकते और चैनल पर तो पड़ी ही है। अगर आपको चाहिए हर एक वीडियो क्लास की आपकी नोट्स और उनके क्विज, तो आप 499 में 3 महीने का प्लान ले लीजिए, इतना महंगा भी नहीं, और आराम से हर एक क्लास की नोट्स पाते रहिए, ताकि आपकी क्लासेस भी आपको वीडियो जो मिले उसके बाद जब आप नोट्स पढ़े तो अच्छी एक तैयारी की ओर बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं जो आपका इंडिया है यानी भारत है, भारत में आज हम देखेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन, नियोजन का अर्थ होता है एक तरीके से आप प्रबंध भी बोल सकते हैं, मैं ऐसा कहूं, यानी अर्थ जगत से लेकर के अगर अर्थ पैसा इसकी व्यवस्था का जो प्रबंधन पूरा कहलाता है वह सब क्या होता, आर्थिक नियोजन होता। आर्थिक नियोजन जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हो तो उससे पहले आपको अपने यहां के इतिहास को झांकना बहुत जरूरी होता है कि ग्रामीण भारत में स्वतंत्रता से पूर्व की जो व्यवस्थाएं रही, जो कुछ सब कुछ आपका किस पर निर्भर था, उस तब जो है तब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह ग्रामीण भारत पर जितने आपके क्रियाकलाप होते थे उन पर निर्भर थी। इसी ग्रामीण भारत में जिनको हम कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग के नाम से जानते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार के लिए आती है तो उसी ग्रामीण भारत की संरचना को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है, जिससे कि जो आर्थिक नियोजन हमारे यहां बहुत ढंग से चलता था वह सब कुछ आपका टूटता हुआ चला गया।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत के लोगों को आर्थिक नियोजन के विषय में कुछ सोचना रहा और उन्होंने सोचा और समझा, तब पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का दोहन कितने तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी दोहन कर रही थी, किन किन आधारों पर भारतीय किसानों को बर्बाद करने में तुली थी। इन सारी चीजों को समझ के कई ऐसे भारतीय आपके विद्वान हुए जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इस चीज को दर्शाया और विश्व पटल पर यह मुद्दा आपका जहां भी उन्हें मौका मिला वहां पर उन्होंने रखा, जिससे कि ब्रिटेन पर कुछ ना कुछ दबाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में, आर्थिक नियोजन में हम सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व की झलक को एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। दो इसमें मैं पहलू आपके सामने रखूंगा, एक तो स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, इससे पहले क्या है हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लूट खसोट की गई उसमें किन किन चीजों के बारे में हमें जिक्र के तौर पर मिलता है, साक्ष्यों के तौर पर मिलता है, इनको एक बार हम देख लेंगे। उसके बाद जब भारत आपका जो है फ्री होता है फ्रीडम के बाद, इसके बाद हम कैसे कैसे अपने आर्थिक नियोजन की ओर बढ़ते हैं, अर्थ जगत की ओर बढ़ते हैं, इनको देखेंगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, सबसे पहले इतिहास समझना, मैं भूमिका आपको समझा रहा हूं, ठीक है। भूमिका को समझने में सबसे पहले जो चीज है, ठीक है, मैं उसी चीज को लिखूंगा, उसी चीज को फिर आपको समझाऊंगा तो सबसे ज्यादा समय जाएगा, ठीक है। मैं 2 घंटे के लेक्चर में 40 मिनट की चीजें नहीं बता पाऊंगा, इस वजह से सारी चीजें पीडीएफ जो मैं नोट्स मुझे पढ़ाना होता है उस अनुसार मैं तैयार करवाता हूं, ठीक है। मस्त होकर मेरी बातों को सुनिए, आपको समझना सारी चीजें होती रहेंगी। देखिए आर्थिक नियोजन, मैंने इस बिंदु का नाम ही दिया है चैप्टर में, भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही तैयार हो चुकी थी। वैश्विक आर्थिक मंदी से निकलने हेतु राज्य हस्तक्षेप की सफलता, सोवियत संघ के वक्राश जो है काश हेतु नियोजित प्रारूप का अस्तित्व तथा रानाडे एवं दादा भाई नेरोजी के आर्थिक चिंतन ने इस बात पर जोर दिया कि विकास एवं कल्याण, दो चीजें आई, को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। विकास हेतु सरकार को नियोजित रणनीति अपनाई जो है जानी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में 1934 की बात है, 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के आर्थिक विकास हेतु अपनी एक पुस्तक, क्या नाम था, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पूछी भी कई बार गई है, प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है इके ने नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने औद्योगिकीकरण पर बल देते हुए श्रम को कृषि क्षेत्र से औद्योगिकीकरण क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की क्या किया था, सलाह दिया था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया और आगे 1938 की बात है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के सर्वांगीण विकास, ये ठीक, बाद में इसको सामुदायिक विकास के अंतर्गत सारी चीजें लाई गई थी, सर्वांगीण विकास जो मैंने पढ़ाया भी था, कि रणनीति बनाने हेतु अपने हरिपुरा सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया। इस समिति द्वारा निर्मित योजना को कांग्रेस योजना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, 1938 की बात है। फिर 1944-45 में देखें, भारत के 8 प्रमुख उद्योगपति जो उस समय थे, कौन कौन, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जेआरडी टाटा, जेडी बिरला, लाल श्रीराम, कस्तूरभाई लालाभाई और अर्देशियर दयाल, एडी श्राफ तथा जॉन मथाई, ये 8 जो आपके भारत के उस समय आपके क्या थे, उद्योगपति थे, इनके द्वारा भारत के विकास हेतु भारत के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, ठीक है। इसे बॉम्बे प्लान भी कहा गया, पूछता है बॉम्बे प्लान के बारे में, 10,000 करोड़ रुपए के इस प्लान में अगले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 65 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए करने का लक्ष्य किया गया, ठीक है, 65 रुपए से बढ़ाकर 1944-45 में हमारे यहां प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 65 रुपए थी और इसमें 10 जो है कितना, जो 15 वर्षों के लिए प्लान किया गया कि 15 वर्षों में हमारा यह लक्ष्य होगा कि 65 रुपए से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर 130 रुपए करेंगे, हम 2 गुना करेंगे, ठीक। इसी काल में 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना, वर्ष 1945 में एमएल राय द्वारा पीपल्स प्लान तथा वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया। सभी प्लान को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूछे जाते हैं सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो भारत में सामाजिक आर्थिक चुनौतियों,
से निपटने, देश के संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए लोगों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सृजन, भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और आर्थिक समृद्धि को तीव्र करने हेतु नियोजन की रणनीति अपनाई गई। इस संदर्भ में भारतीय संसाधनों के आकलन, संवर्धन तथा उनके समुचित उपयोग के द्वारा आर्थिक विकास हित 15 मार्च 1950, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया शुरुआत में, 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। पूछता है प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। अब योजना आयोग जब आपका बनकर प्रारंभ हुआ तो यह पिछले 64 साल के आप तो ज्यादा हो गए, ठीक है, देश के बहुमुखी विकास हेतु अपना योगदान देता रहा, बीच में गैप भी रहा है, सारी चीजों को सही से समझिएगा। इस आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित व क्रियान्वित की जा चुकी। भारत में नियोजन की प्रक्रिया को और व्यवहारिक, अधिक समावेशी तथा विश्व स्तरीय बनाने हेतु 1 जनवरी 2015 को अब योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन अब किया गया है योजना आयोग के जगह पर। तो दोनों संस्थाओं का स्थापना जरूर याद रखना, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग आया, और इससे पहले जो हमने बात किया 15 मार्च 1950 को आपका कौन आया था, योजना आयोग आया था। अब भारत में नियोजन को अच्छे से पढ़िए, योजना आयोग का भैया गठन हो चुका है, अब धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं, तो एक एक चीजों को मैं प्रारंभ करूंगा, ठीक है। इसमें जितनी आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम 8 जो पंचवर्षीय योजनाएं रही, इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जो पब्लिक सेक्टर है इनके दायरे को बढ़ाने का जोर दिया गया पहली 8 योजनाओं में, ठीक है। इसके तहत बुनियादी और भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश किया गया, परंतु 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 में प्रारंभ हुई, इसके शुरुआत में ही सार्वजनिक क्षेत्र पर कम जोर देते हुए इसके निर्देशनात्मक स्वरूप को अपनाया गया। यानी अब यहां पर इसका कार्य, पब्लिक सेक्टर वाला जो कार्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, इसको क्या कर दिया गया, एक संस्था के तौर पर कर दिया गया, वहां से ये चीजें क्या हो गई, निर्देशक के तौर पर आ गई। आगे समझिए, अब मैं आर्थिक, जो अपने यहां भारत में आर्थिक नियोजन चले, इनके क्या क्या उद्देश्य रहे, किस लिए योजना आयोग स्थापित हुआ, क्या क्या उसने किया, कैसे कैसे अपने एम को प्राप्ति के लिए, इसमें सबसे पहले विकल्पों को तैयार किया गया। देखो, सबसे पहली बात थी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, दूसरी चीज थी सामाजिक न्याय की स्थापना, प्रियम्बल पढ़ते हो ना, प्रियम्बल में मैंने बताया भी है। तीसरी चीज थी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का इसका लक्ष्य था, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन भी इसका लक्ष्य था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। जो अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत फिर से प्रारंभ किया, ये हम कब से लेकर चल रहे हैं, स्वतंत्रता से, और आज तक नहीं हम कर पाए, ठीक है। निवेश एवं पूंजी निर्माण की इसमें लक्ष्य रखी गई, आय वितरण में समानता लाने का लक्ष्य रखा गया, यह तो गैप और बढ़ गया। वर्तमान में आप जानते हो कि भारत में लगभग 3% पूंजीपतियों के हाथ में 97% जो व्यक्ति है उनकी संपत्ति पूरी है, 3% पूंजीपतियों के हाथ में, और यह चीज क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी असमानता है। आगे बढ़ते हैं, एवं क्षेत्रीय विषमता में जो कमी है ये बनी है, बरकरार है, और समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास को बढ़ावा देना। तो ये पहले हमारे यहां जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया, योजना आयोग बनाया गया, उनके लिए इतनी सारी चीजें का हमने लक्ष्य रखा था, इनमें से बहुत सारे लक्ष्य हमारे लक्ष्य ही हैं, अभी भी हम उनकी तरफ अग्रसर हैं, लेकिन अचीव होगा कब होगा इसकी बात नहीं की जा सकती। अभी भी इसमें जितने पॉइंट, जिन सभी बिंदुओं को लेकर यह बना था, उनमें आपको सभी में कमियां मिलेंगी, ठीक है। ये कमियां किन की हैं, ये कमियां बहुत सारी चीजें इस पर जो है जोर डालती हैं, जिनके बारे में हम जिक्र भी करेंगे। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूं भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना और सुनते चलना, इसमें कौन सी योजना चली उसको भी मैं बताता रहूंगा, उद्देश्य क्या रहा, लक्ष्य क्या मिला, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको सुनते चलना है। पहली जो पंचवर्षीय योजना रही, ठीक है, 1951 में बड़े पैमाने पर अनाज की कमी थी अपने यहां, देश का जब विभाजन हुआ उस समय अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी, शरणार्थियों का जो है प्रवेश लगातार पाकिस्तान से, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले साइड से जो है शरणार्थी लगातार भारत में आ रहे थे, तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबाव को देखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में
सिंचाई, ठीक है, पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, 1951 से 56, इसमें क्या क्या चीजें फोकस की गई, सिंचाई, बिजली, कृषि, मूल स्तर जो है स्थिरीकरण या स्थिरीकरण के साथ साथ शरणार्थियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। 1951 से 56 में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई, इसमें जो लक्ष्य रखे गए, सबसे पहले तो जो बाहर से लोग आ रहे उनको कहीं जगह देनी थी, ठीक है, और साथ ही साथ सिंचाई, बिजली, कृषि, इन सारे मुद्दों पर भी ज्यादा बल दिया गया। हुआ क्या, इस योजना के जो उद्देश्य थे इनको समझ लीजिए, कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई। दूसरी बात, देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर किया गया, ठीक है, मतलब दूर करना इसका लक्ष्य था, ये उद्देश्य थे, लक्ष्य थे इनके, उनको पढ़िए। सबसे पहली चीज, कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। भाई वो समय जब हिंदुस्तान अमेरिका से कहता था कि हमारे देश के लिए क्या करो, आप गेहूं पैदावार करो, गेहूं चावल पैदावार करो, क्योंकि हमारे यहां पूरी तरीके से ना तो सिंचाई के साधन थे, ठीक है, अच्छा खासा जाल नहीं था, पूरी चीजें बर्बाद थी, और जब सिंचाई नहीं थी तो जाहिर सी बात है किसान कहां से पैदावार करे, कोई अच्छी क्वालिटी की बीज हमारे यहां नहीं होते थे स्वतंत्रता के जो है दौरान, उसके लिए भी भारत क्या करता था, दूसरे देशों पर पूरी तरीके से निर्भर था, अपने यहां वही साठा वाला चावल होता था, ठीक है, और वैसे गेहूं की बुआई होती थी, वही चीजें क्या होती थी, ना सही से यंत्र होते थे, गेहूं वगैरह जानते हैं आजकल तो क्या है कि इधर से अब तो मशीनें आने लगी कंबाइन जैसी, पहले क्या होती थी, पहले जो है गेहूं हाथ से कटा और हाथ से कटने के बाद वैसे पूरा जो है, ठीक है, जो बोझ बनाए जाते थे उनको काट के फिर ऐसे फैला दिया जाता था खड़ी बालियां करके, ऐसे उनके ऊपर बैल चलते थे, भैया पैर कट जाते थे बैलों के, जो चलता था व्यक्ति उसके पैर कट जाते थे, गेहूं की खड़ी बाली पर चलना आसान थोड़ी है, उस तरीके से फिर गेहूं क्या होता था, लगातार वो दवाई चलती थी कई कई दिनों तक, उसके बाद क्या होता था, फिर वो जो गेहूं होता था उसको अलग किया जाता था, फिर ओसाने का काम प्रारंभ होता था, फिर जाके गेहूं निकलता था, उसी से वो भूसा तैयार होता था, ठीक है, वो पशुओं में काम आता था, तो भूसा समझ सकते हो कि पैरों के चलने से कितने छोटे भूसे बनेंगे, ठीक, तो वो चीजें क्या होती थी तब भारत में थे, तो कोई चीजें सही से पैदावार ही नहीं थी, पता चले किसी के यहां कोई जो है संस्कार हो गए, जो पहले मैंने भी बात किया है कि कोई संस्कार मान लीजिए किसी के यहां पड़ते, उसने कहीं चावल खिला दिया, तो जो है आसपास के 15-20 कोस में यही बात होती थी, फलाने के यहां भैया भात खिलाया गया, तो ये चीजें तब की थी, क्यों, क्योंकि हमारे यहां भाई पर्याप्त तरीके से कुछ होता ही नहीं था, गांव में शादियां वगैरह ठनती थी पहले, तो पूरे गांव से क्या होती थी, सबके यहां से चारपाई मांग के आती थी, और बढ़िया चद्दर पेड़ के नीचे बिछाया जाता था, 3 दिन की बारात होती थी, ठीक है, और पूरे गांव की महिलाएं जुटती थी, पुरुष जुटते थे, रोटियां बनती थी घी में लगा के, ठीक है, रोटियां पहले खिलाई जाती थी, पूरी वोड़ी प्रचलन नहीं था उतना, समझिए आप लोग क्या जानो 3 दिन की बारात वाला, ठीक है, एक दिन क्या होता था द्वार पूजा होती थी, फिर दूसरे दिन आम द्वार पूजा वाली, फिर दूसरे दिन क्या बोलते थे मैं भी इस समय ध्यान नहीं, ठीक, बहुत बड़ा सिस्टम था गांव में, पूछिएगा किसी बुजुर्ग से बताएगा, आगे बढ़ते हैं यहां पर आओ, अगली चीज क्या कह रहे, चौथी जो इसमें हमने एम रखा, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियल पर हम मेन फोकस रहे जो है कि अपने यहां ज्यादा से ज्यादा क्या करें, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दें, उद्योगों को यहां पर स्थापित करें, क्योंकि उद्योग होंगे तब क्या होगा, रोजगार पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर या हेराल्ड डोमन दोनों नाम मिलते हैं, हेराल्ड भी लिखा मिल सकता है, हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर जो है आधारित थी, बहुत बार पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैं बताया था 1951 में, तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन है, दोनों को याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना, और आपकी राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2.1% लक्षित वृद्धि की तुलना में वास्तविक वृद्धि 3.6% की रही, मतलब हमें कुछ ज्यादा मिल गया, 2.1 की हमने आशा की, 3.6 मिला, बढ़िया रहा। योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही, मतलब पैदावार हम बढ़ाने में सफल रह गए। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल आपका 1956 से लेकर के 1961 है। अब 56 से 61 की ओर बढ़ते हैं,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास की एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश की गई जिससे समाजवादी व्यवस्था, यहां पर समझिएगा, अब समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके, इस चीज पर जोर दिया गया 56 से लेकर 61 वाली योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। समझिए इसको, यह जो योजना रही किस पर आधारित थी यह पूछता है। तो यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर या उनके द्वारा विकसित चार क्षेत्रीय मॉडलों पर आधारित थी। समझ गए, यह पूछा है कई बार और पूछेगा भी। दूसरी बात, इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल के साथ साथ देश के तीर औद्योगिकीकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया। ठीक है, यहां पर फिर से क्या किया गया कि इंडस्ट्रियल सारी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ज्यादा फोकस्ड बनी सरकार। इस योजना के अगर हम उद्देश्य देखें क्या क्या उद्देश्य थे, तो सबसे पहली तो चीज यह की गई कि हम राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करेंगे, एम पहला यह बना। दूसरा, आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकीकरण करना। ठीक है, हम उद्योगों की ओर तेजी से बढ़ना प्रारंभ करना सोच रहे थे इस योजना में। तीसरी, रोजगार अवसरों को बड़े पैमाने पर प्रसार करना, आय और धन की असमानता में कमी करना और साथ ही साथ आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। द्वितीय योजना में लक्षित विकास दर 4.5% थी, कितनी थी 4.5%, परंतु वास्तविक जो वृद्धि रही है 4.2% रही, यानी जो हमने अपेक्षा की थी उस अपेक्षा से हमें कम वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हुई। इसी योजना में राउरकेला, ध्यान रखिएगा यह पूछता है, राउरकेला यानी उड़ीसा में, भिलाई यानी छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। ये सवाल बहुत बार पूछा, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। ठीक है, यह योजना भी सामान्य रूप से सफल रही, क्योंकि भाई हमने लक्ष्य दिया 4.5% का, अब उसमें से 0.3% अगर कमी हो गई तब भी ये क्या कर सकते हैं, हम इसको सफल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे औद्योगिकीकरण की ओर, तो उसमें प्रयास हमारा कुछ मामले में सफल गया। एक तो राउरकेला यानी उड़ीसा में, दूसरा प्लांट भिलाई ठीक है छत्तीसगढ़ में, तथा तीसरा जो रहा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, तीन इस्पात संयंत्रों की अपने यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हो गई। ठीक, तो इसको हम सामान्य रूप से सफल मान सकते हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं, 61 से 66। अब 61 से 66 आपके दिमाग में तुरंत गया होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत कैसे कैसे संकटों से जूझ रहा था। तो समझिए, जो तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई। स्वतः स्फूर्त मतलब खुद से इसमें उड़ जाओ, मतलब खुद से उठ खड़ी होने की ताकत रखे, ऐसी सारी लक्ष्यों के साथ इसको प्रारंभ किया गया। यद्यपि इस योजना में किसी मॉडल का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि इस योजना पर महान लोबिस के चार क्षेत्रीय मॉडलों तथा जे सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती नियोजी मॉडल का प्रभाव देखा जाता है। यानी इस योजना में तीन आपके ऐसे व्यक्ति रहे जिनके द्वारा सुझाए गए मॉडलों का प्रभाव इन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगली बात, यह जो योजना रही इस योजना पर फिर से इस बार भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फिर से फोकस किया गया, कृषि पर फिर से जो है सर्वाधिक बल दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके उद्देश्य क्या थे, इसी एम को समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो भैया, इसमें राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% से अधिक की वृद्धि हमें करना ही करना था, इसमें एम दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरी बात, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल। अब खाद्यान्न का मतलब सब कुछ हो गया, अनाज जो कुछ हम खाते पीते हैं, ठीक है, इसमें सारी चीजें आ गई, यानी इस मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना था, तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी हम कोई चीज निर्यात कर सके, हम आयात ही करते थे, तो निर्यात भी किसी चीज को कर सके, इसके लिए कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया कि हम ऐसे प्रोडक्ट का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे जिनको हम क्या कर सके, कहीं पर निर्यात कर सके, इस चीज पर भारत जो है बल देना प्रारंभ किया। बुनियादी जो उद्योग थे, बुनियादी उद्योगों में जैसे आपका हो गया इस्पात, रसायन से संबंधित कारखाने, ईंधन और बिजली के जो क्षेत्र हैं इनका विस्तार किया गया, तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना,
ताकि देश में 10 वर्षों के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकीकरण की जरूरत को पूरा किया जा सके। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी ऐसी चीजें रही, यानी फिर से हम बुनियादी उद्योग पर दोबारा लौटे, ठीक है। और दूसरी चीज निर्यात पर हम फोकस हुए कि कृषि में हम अगर ऐसी उपज को यहां पर अपने यहां उपजाना प्रारंभ कर दें जिनकी बाहर मांग है, तो हम यहां से, चूंकि देखो अंग्रेज जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने यहां के मसाले बहुत मशहूर थे, मसालों के अलावा अपने यहां के ये पन्ने, हीरा, मोती, जवाहरात, ये रत्न भी बहुत ज्यादा फेमस थे। साथ ही साथ अपने यहां के जो सबसे ज्यादा जैसे नील की खेती होती थी अपने यहां के ग्वाटन, ठीक, दुनिया के नंबर वन, इन सारी चीजों की विश्व में बहुत ज्यादा मांग थी। भारत सोने की चिड़िया वैसे थोड़ी था, अपने यहां जो कुछ आपकी चीजें थी, ठीक है, सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो मतलब है वो आत्मनिर्भरता से है। भारत अपने आप में तब आत्मनिर्भर था, अपने यहां हर एक वस्तुओं का उत्पादन होता था, वस्तुओं का निर्यात होता था। हमारे संबंध बहुत पुराने पुराने जगहों से हैं, ठीक है, हमारे जो संबंध रहे हैं, आप पुराने प्राचीन चीजों को उठाइए, जब इतिहास को या उसके बाद वाली चीजें उठाइए, स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले के भारत की, तब भी हमारे जो है सड़क मार्ग जो है से देखा जाए तो इराक, ईरान और यहां सब तक के व्यापार होते थे, ठीक है, पूरा का पूरा जो है हिस्सा अफगानिस्तान से होते हुए पूरा जुड़ गया था, वहां सड़क मार्ग से व्यापार अपना चलता था, सोच सकते हैं तब के जमाने में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो बहुत सारी चीजें आसान है, ठीक है। तो यहां पर जितनी चीजें थी, हम फिर से उस चीज पर आने लगे कि अंग्रेज जब आए थे उससे पहले जो हमारी दशा थी, हम उन चीजों पर वापस लौटे। आगे बढ़ते हैं इसी चीज में, समझिए, अवसर की समानता वृद्धि एवं आर्थिक विकास का समान वितरण भी करना, इसमें फिर से लक्ष्य बनाया गया। अवसर की समानता वृद्धि, यानी भाई अगर हम रोजगार पैदा कर ले गए और चीजों पर फोकस हो गए तो अवसर की समानता को हम बढ़ा ले जाएंगे, ठीक है, इस पर फोकस हुआ। साथ ही साथ देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, यह भी हमारा एक एम रखा गया तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर कितना रही, 5.6% के विरुद्ध केवल 2.272% प्राप्त हुई। हमने रखा 5.6% और मिला कितना, 2.72%, यानी पूरी तरीके से हम फेल रहे इस पंचवर्षीय योजना, बहुत ज्यादा नीचे, मतलब आधी भी विकास दर हमें ना मिल पाई, ठीक है, इसको हम निराशाजनक बोल सकते हैं। तीसरी योजना अवधि में भारत चीन युद्ध 1962 में हो गया, उसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 में तथा 1965-66 के दौरान अपने यहां सूखा, बहुत भयंकर सूखा आया था, पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी उस दौरान, ठीक है। तो तीन तीन घटनाएं एक साथ भारत पर टूट पड़ी, एक तो भारत चीन के साथ 62 का युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया 65 में, और 1965 और 66 के दौरान सूखा अपने यहां पड़ गया। तो ये सारी स्थितियां ऐसी रही कि हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थी उनको हमसे बहुत दूर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ये आपका 1965-66 के दौरान सूखा भी पड़ा, चीन से युद्ध हुआ, तो उस दौरान युद्ध में भाई दो दो युद्ध भारत झेल चुका, फिर सूखे जैसी स्थिति आ जाए तो भारत में इतना पैसा पहले से था नहीं सरकार के पास कि सब कुछ मेंटेन कर ले जाए, ठीक है ना, तब आज जैसी व्यवस्थाएं थी कि हमारे लिए वर्ल्ड बैंक खड़ा हो, हमारे लिए ब्रिक्स खड़ा हो, हमारे लिए आपस के क्षेत्रों का जो है G20 जैसा समूह हो, ऐसी कोई भी उस समय जो है दौरान मतलब भारत के पास सुविधाएं नहीं थी। तो हमने क्या किया, वहां पर हमने अपने आप पर थोड़ा सा ये काम किया कि अब हम बड़ी योजनाओं को तो चलाने में सक्षम नहीं रहे, अब हम छोटी छोटी योजनाओं को लाते हैं जो सालाना के तौर पर होंगे, यानी हम अपने लक्ष्यों को विभाजित किया हमने और एक एक साल के लिए वार्षिक प्लान लाना प्रारंभ किया। अब समझिए वार्षिक योजनाएं भारत में कौन कौन सी आई, जब 65 का भारत पाक का युद्ध हो गया 1965 में, फिर क्या हुआ, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में बहुत ही देरी हो गई। अब क्या हुआ, वर्ष 1966 की बात है, 1966 से 69 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वार्षिक प्लान योजनाएं जो है बनाई गई, और इस अवधि को योजना अवकाश भी कहते हैं। यह पूछता है कि योजना अवकाश का जो है समय काल क्या रहा, तो 1966 से लेकर 69 के दौरान
तीन जो आपका वर्ष रहा यह योजना अवकाश का क्या बोला जाता, जो इसको योजना अवकाश बोलते हैं, यानी इसमें कोई भी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आनी थी, लेकिन चाइना के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध और सूखे जैसी स्थिति से यह आपकी योजना नहीं आ पाई। तो अब बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर, जिसका कार्यकाल आपका 1969 से 74 है। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 69 से 74 का रहा, यानी 66 से 69 के दौरान तीन आपके वार्षिक प्लान आए। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, जब हम इस हालात में आ गए कि अब हम फिर से पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करें, तो 69 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, इसमें कृषि उत्पादन तथा विदेशी सहायता में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करते हुए विकास की गति को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य बना, कि अब भारत क्या करेगा, किसी विदेशी जो है सहायता को नहीं लेने में अपने आप को सक्षम बनाएगा, ये सोर प्रयास करेगा। अब क्या हुआ, इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीआर गाडगिल ने तैयार किया, ठीक है। यह योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस माने द्वारा तैयार की गई, एलन एस माने द्वारा तैयार की गई, ठीक है। और इसको क्या मॉडल नाम दिया गया, ओपन कॉन्स्टिटेंसी मॉडल, याद रखिएगा ओपन कॉन्स्टिटेंसी मॉडल इसका नाम दिया गया, जिस मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित रहे, ठीक है। या इसको लियोतीफ का आगत निर्गत मॉडल भी कहा जाता है, पर आधारित थी। इसमें 30 क्षेत्र शामिल किए गए, मतलब भारत अब 30 क्षेत्रों पर लक्षित विकास की ओर बढ़ेगा, यह चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य हमारे निखर कर आए, समझिए। गाडगिल रणनीति का संबंध इसी योजना से है, पूछता भी है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 की बात है, ठीक है, ध्यान होगा। साथ ही साथ इसी में एमआरटीपी एक्ट, उसके साथ ही साथ 69 एक बफर स्टॉक की धारणा भी इसी में लागू हुई, यह पूछा जाता है बफर स्टॉक की धारणा कब आई थी, ठीक है। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। साथ ही साथ उद्देश्य को देखते चलो, क्या क्या एम बनाए थे हमने, उद्देश्य जानोगे तभी तो लक्ष्य प्राप्ति कितना रहा, उन सारी चीजों पर आओगे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, अब हम किस पर आ गए, अभी तक हम तीव्रतर आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे थे, अब हम स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की ओर बढ़ने लगे, एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु प्रारंभ की। जब भी भारत में कोई समस्या आई है तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं, विश्व में जब भी महामंदी आई है, विश्व में रिकॉर्ड है, जब भी महामंदी का दौर आया उसके बाद, महामंदी के बाद बहुत तेजी से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। महामंदी तभी दूर होगी जब हर व्यक्ति के हाथ में पैसा दोगे, और हर व्यक्ति के हाथ में पैसा देने के लिए आपको हर व्यक्ति को रोजगार देना होगा। तो इसीलिए इस दौरान जो भी आपकी कोविड-19 की वजह से महामारी आई है, इसके आने वाले वर्षों में देखिएगा रोजगार के अवसर 100% बढ़ने हैं, चाहे जो भी विश्व का देश है, क्योंकि महामारियों के बाद ऐसा देखा गया है कि जब भी सरकारें, हर देश की सरकारें यह प्रयत्न करती है कि हर व्यक्ति के हाथ में पैसा दिया जाए, उसके लिए वह रोजगार देती है। अपने यहां भी बहुत चल रहा था, बहुत मुद्दे मतलब चर्चित रहे कि हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाल दो। ये पैसे डालने का मतलब क्या है, फिर भाई युगांडा और वैसे जैसे देशों जैसा हाल हो जाएगा कि इतना पैसा ले जाओगे तो एक पैकेट ब्रेड लाओगे, ठीक है। वो चीजें अपने लिए नुकसानदायक है, इसीलिए सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए मंदी के दौरान कि आप हर व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे दें, हर व्यक्ति को उस लायक बना दें कि वह बाजार में क्या कर सके, बाजार में वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ करें। यही चीज होती है सबसे बड़ी चीज, और जब भी मंदी आई है तो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसलिए जो इस दौरान दौर चल रहा है, पूरी वैश्विक मंदी छाई हुई है, आने वाले कुछ सालों में फिर से चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, यह तय है, ध्यान दीजिए। आत्मनिर्भरता, लगभग देश अब इसकी ओर बढ़ेंगे, भारत ने तो घोषित ही कर दिया आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हम तब से लेकर चल रहे आज तक नहीं, चाइना जैसे देशों पर 28% 32% के करीब हम डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। अलग अलग आप सेक्टर उठाओगे, चाइना हम पर कितना हावी है, क्योंकि हम चाइना से सारी चीजें वहां से मंगा के बैठते हैं, ठीक है। अपने यहां के जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, बस थोड़ी सी चीजें क्या है, चीन और भारत वालों में तो यही अंतर है, चाइना वाले वहां के प्रोडक्ट जैसे है वो इस्तेमाल करेंगे, जापान को देख लीजिए, ठीक है। हमारे यहां थोड़ा सा अच्छे हो गए तो इनको ब्रांडेड ढूंढना होता है, और ब्रांडेड दूसरी कंपनियों में ही दिखाई देता है, जो बाहर की कंपनियां हैं फॉरेन की, हमें अपने देश के लोग बेकार दिखते हैं, और यही चीजें क्या होती हैं, यही चीजें नुकसान करती हैं, ठीक है। भारत में गोल्ड की इतनी डिमांड है कि क्या बताया जाए, भारत हर जगह से
सोना ही आयात करता बैठा रहता है भारत में। भाई सोने के क्या मतलब, आप घर में ले जाकर रख देते हो बस काम खत्म। कहीं कोई जो है शादी हुई, बस आप दिखा दिए 5 किलो सोना रखे हैं, क्या मतलब है उसका। ठीक है, देश का एक बहुत बड़ा पैसा हमें जो है विदेशी पूंजी के तौर पर दे देना होता है डॉलर, कि हम सोना मंगा रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति फिर से हमें बढ़ावा देना है, तो क्रय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना होगा, लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। इस दौरान जितने रोजगार के अवसर सभी के गए हैं, तो उन रोजगार के अवसरों में गवर्नमेंट का यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए जैसा लोग सुझा रहे कि हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे लगा दो। वो पैसे लगाना क्या है, बेवकूफी है। हम आज तो अपने कदम सही कर लेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में अपने ही कदम को क्या करेंगे, जड़ काट देंगे और औने मुंह ऐसा गिरेंगे फिर उठने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए अभी क्या है, जितने रोजगार के अवसर गए, बस सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत की ओर अगर हम बढ़ना प्रारंभ कर दिए, तो आत्मनिर्भरता फिर से हमारा लक्ष्य इसलिए बनी कि गवर्नमेंट अगर हर एक सेक्टर में पैसा दे रही, हर एक सेक्टर को पैसा देने के पीछे उसका लक्ष्य यह है कि हम तुम्हारे सीधा अकाउंट में पैसा नहीं दे रहे, हम तुमसे कुछ काम कराएंगे, उस काम के बदले, उस काम का प्रयोग अपने ही देश में कहीं और कराएंगे, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और यही सही लक्ष्य होता भी है। ठीक है, यही सबसे बेस्ट आइडिया भी है भैया। ऐसी चीजें नहीं है जो लोग, बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज करना प्रारंभ कर दिए कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वो आपके ही जो है क्या है, पैर पर कुल्हाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज, इसमें जो अन्य लक्ष्य रखे गए, वो लक्ष्य क्या रखे गए, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में फिर से हम राष्ट्रीय आय पर हमेशा भारत फोकस रहा। शुरुआत में तो हमारे यहां भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना तक जितना हमने कमाया उतने तो दो युद्ध ले गए, उसके बाद सूखे जैसी स्थिति आ गई, हम तो फिर खो चुके। तो हमें फिर से, क्योंकि तब आज के जैसे हमारे पास ये नहीं थे कि भारत वाले विश्व में इतने जगह फैले हों, वहां रोजगार करके भारत पैसा भेज रहे, ऐसा कुछ नहीं था। तब हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट थे, वही जैसा कि आज भी गांव का उड़ाते नहीं मजाक कि जो है भारत में दोपहरी किसान क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांव का बुधई भी जानता है कि अगर मेरे पास 1 बीघे की जमीन है और 1 बीघे की जमीन में अगर मैं सोता रहा दिन भर और 1 मुट्ठी गेहूं वहां फेंक दिया, तो परिवार भर के खाने के लिए मैं पैदावार कर लूंगा। वो उसके अलावा कुछ नहीं सोचता, वो बस ये चाहता है कि हमें अपने भोजन के लिए, परिवार के खर्च के लिए उतना हमें वहां से पैदावार हो जाए। हम इन चीजों पर नहीं सोचते कि हमारे पास जमीन खाली पड़ी है तो जमीनों में हम कैसे दिमाग लगाएं, कोई नई खेती कैसे करें, व्यवसायिक खेती कैसे प्रारंभ करें, उसी में अपने पैदावार, खाने भर की हम पैदावार करें, बाकी खेत की जमीन में क्या किया जाए। इन सब पर भारतीय किसान दिमाग नहीं लगाता, वो तो जो है घड़ी में 11 बजे तो खाना खा के आराम करेगा और उसके बाद शाम को 4 बजे उठेगा, बाजार भी जाना होता है। ठीक है, जानते ही जानते। चलिए आगे बढ़िए, तो ये तब से लेकर आज तक चली आ रही है और ये चली ही आती रहेंगी, क्योंकि भारत में क्या होता है, हम थोड़े अच्छे हुए तो हमें MI ब्रांड चाहिए, अरे बड़े अच्छे फोन होते हैं। ठीक है, तो अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़िए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें अपने देश में बनी चीजों को खरीदना होगा, जो हमारे देश के लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट को खरीदिए ताकि उनकी मांग बढ़े, उन लोगों के हाथ में पैसा जाए। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे ही पैसे का पूरी जगह पर, पूरे भारत में ही क्या होगा, जब पूरी तरीके से प्रसार होगा, आदान प्रदान होगा, तो हम मजबूती की ओर अपने आप खड़े होंगे। जापान बहुत बड़ा उदाहरण है भैया, जापान विश्व युद्ध के बाद तबाह हुआ, उसके जब आप इतिहास को पढ़ लेना आप समझ जाओगे जापान क्यों इतना मजबूत है। ठीक है, टेक्नोलॉजी मामले में बहुत आगे है आज। आय एवं संपत्ति का समान वितरण, फिर से हमारा प्रयास आया कि हम आय का और संपत्ति का समान वितरण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तथा क्षेत्रीय समानता में कमी लाने का प्रयास करेंगे। अभी भी क्षेत्रीय समानता क्या है, आप भारत देख लो यार, कुछ नहीं करना है। क्षेत्रीय जब हम समानता की बात करते हैं अपने यहां, तो जब आप भारत का मैप जैसे ही प्रारंभ करते हो आपके दिमाग में बनता है जो चीजें, ठीक है समझ लेना जिस हिसाब से बनना है, ऐसा नहीं है, तो वहां पर जैसे ही ये चीजें नीचे वाली आती है, इधर वाला जब आप देखते हो और इधर, ठीक है गुजरात हिस्से छोड़ दो, पूर्वोत्तर भारत और ये ऊपर का जो आपका है हिस्सा, इन दोनों में चीजें देख लो क्षेत्रीय असमानता क्या है। अपने यहां सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो अपने यहां बघेलखंड और बुंदेलखंड की बातों को देख लो, पठारी क्षेत्रों में और इधर के क्षेत्रों में दोनों में असमानता भरी पड़ी है कि नहीं पड़ी, आपको वही स्पष्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज तक 70 साल तक सरकारें चिल्लाती रही विकास के नाम पर, क्या रहा,
क्षेत्रीय असमानता कहीं ना कहीं आज भी बनी है, उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता में हम तभी सभी को साथ लेकर चल पाएंगे, ठीक है। भारत को वैश्विक लेवल पर तभी अच्छा दिखा पाएंगे जब हम हर एक क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र मतलब हर एक जगह में, हर एक क्षेत्र में यानी वहां पर जितने आपके अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी में विकास करें, ठीक है। जो लेफ्टिस्ट जिनकी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, वामपंथी जिनको बोलते हैं, वामपंथियों में जानते हो क्या चीजें हैं, उनकी विचारधारा क्या है। वामपंथियों का कहना है, एक तो पहली बात सरकार नहीं होनी चाहिए, सर्वोच्च सत्ता नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात उनकी डिमांड है कि जो धन है, धन एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि धन को सभी लोगों में बांट दिया जाए। तो ऐसी भी चीजें नहीं सही है, वहां पर भी नुकसान करेगा। सरकार का ना होना बहुत बुरी चीजें हैं, वो सरकार भी मानते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ बाद में बताएंगे। संतुलित विकास पर जोर दिया, द्रुत गति से औद्योगिक विकास, फिर से हम कहां पर बहुत तेजी से बढ़ना प्रारंभ किए औद्योगिक विकास की ओर, और आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया हमने। इस योजना में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की गई। इस योजना में विकास का दर लक्ष्य 5.7% तय किया गया, 5.7%, जबकि वास्तविकता विकास दर मात्र 2.05% रही, मतलब हम 2.5% भी नहीं पहुंच पाए कि इसके आधे पहुंच जाए, लगभग उतना भी नहीं गया, 2.05% हमें मिला। परिवार नियोजन कार्यक्रम, याद रखना पूछता है बहुत बार, परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन इसी योजना के, ठीक है, एक मुख्य लक्ष्यों में से एक था। परिवार नियोजन यहां प्रारंभ किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन एक बार भी नसबंदी प्रारंभ हुई थी जब गांव के सारे मर्द पेड़ों पर सोते थे, ठीक है, गांव में कोई भी मर्द नहीं रहता था, चारपाई वैसे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उठा के ले जाते थे, नसबंदी कर देते थे, ये चीजें चली थी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ धोखा हुआ है, बेचारों के साथ शादी नहीं हुई थी, पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई, मतलब क्या है, चलो कोई नहीं। पांचवी पंचवर्षीय योजना देख लो क्या है भैया, 74 से 69 के बारे में, फिर से मुद्रा स्फीति की दबाव पृष्ठभूमि बनाई गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 66 क्षेत्र लिए गए, अब हमें विकास 66 क्षेत्रों की ओर फोकस किया गया कि भारत जो है अब इस क्षेत्र को देखेगा, इस क्षेत्र को देखेगा, इस क्षेत्र को देखेगा, इस क्षेत्र को, पूरी चीजें हमने जो है एकदम बना के रख दी बढ़िया से, अच्छे से समझो। फिर क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीडी लकड़वाला थे उस समय, ठीक है, और इसमें मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता हासिल करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना, इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा, पूछता है कब दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी में प्रारंभ हुआ, जिसने प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, भूमिहीनों को घर, ग्रामीण सड़कें, 66 विषय थे, सब कुछ जहां तक समझ में आया सब कुछ हमने समेटने का प्रयत्न किया, और इसी वजह से जो 5.7 रखा उसमें 2.05 लेकर आए। हम 66 क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जब भारत एक विश्व जो है दो युद्धों के बाद, सूखे जैसी स्थिति के बाद सारी चीजों को समेट नहीं पाया, 5 ही साल गुजरे, उसमें हम 66 क्षेत्रों को लेकर के कूद पड़े मैदान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस योजना अवधि में आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन की नीति, यह नीति पूछा है, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन की नीति कब आई, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तथा न्यायपूर्ण मजदूरी की कीमत नीति भी अपनाई गई, ठीक है। दो चीजें इसमें बेस्ट की गई, उसमें से यह ज्यादा फोकस रहा, अभी तक निर्यात पर चलते रहे, अब हम आयात प्रतिस्थापन यानी आयात को कैसे हटाएं, ठीक है, तब भी वही था, अब भी वही चीजें, निर्यात संवर्धन पर ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ पांचवी योजना के अंतर्गत लक्षित विकास दर 4.4% के विरुद्ध वास्तविक विकास दर 4.8% रही, ठीक है, यानी इसमें कुछ फायदा हो गया, 4.4% जो है इसमें लक्षित रहा और 4.8% प्राप्ति हुई, तो चीजें सही गई। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार, समझते हैं जनता पार्टी, ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 लागू कर दिया, ठीक है। यह योजना पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने संपूर्ण काल को नहीं पूरा कर पाई, वो पांचवी रही, जिसे अनवरत योजना का नाम दिया गया, छठी पंचवर्षीय योजना आ गई अनवरत योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना से 12वीं तक का सफर कल तय करेंगे,
आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं, इतने को बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास में, तब तक मस्त होकर पढ़ें, धन्यवाद।